शायद ये मांगे उन्होंने इसलिए नहीं मांगी क्योंकि हम बिखर गए। अब हम न बिखरेंगे न रुकेंगे न झुकेंगे। उनको ये भी पता है कि कौन न तो बिकती है न झुकती है न रुकती है बल्कि अपने हक को लेकर के रहती है। कार्यक्रम रेवाड़ी क्षेत्र के अंदर हमारे जो यादवों के गांव हैं उनमें अही रेजिमेंट के लिए एक अलग जगाने का जो है ये अधिकार यात्रा निकाली जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यादव समाज यादव परिवार एक साथ इकट्ठे हों और ये राष्ट्र के मान और स्वाभिमान की जो है यात्रा है और हमारे समाज की यात्रा है इसी को निकालने के लिए आज का ये प्रोग्राम। हाँ बिल्कुल, ये यात्रा 9 तारीख को शुरू हुई थी, 9 सितंबर को जयपुर से और राजस्थान होते हुए हरियाणा में आई है और ये 19 तारीख को दिल्ली में पहुंचेगी। तो दिल्ली के यादव गांवों में और एनसीआर के याद जो गांव हैं उनके अंदर जाकर के उनको ये अलग जगाने का है और यात्रा सम्मान किया जा रहा है ताकि 23 सितंबर को जो हमारा एक दिन का धरना प्रदर्शन है तो ये वहां पर सफल बनाया जा सके और सरकार को इस चीज़ को चेताया जा सके। कारण यही है कि अभी तक ज़्यादा संख्या बल में हम सब शायद इकट्ठे ना हो पाए हैं लेकिन आज अब ये समाज को ये एहसास हो गया है कि हमें ये मान सम्मान मिलना चाहिए और ये हमारे राष्ट्र का भी एक स्वाभिमान का प्रतीक है। तो अब ये समाज इकट्ठा होना शुरू हुआ, मेरे नौजवान साथी बुजुर्ग साथी एक साथ इकट्ठा होने लगे हैं। तो अब जब संख्या बल दिखेगा तो अपने आप सरकार को इस चीज़ का एहसास होगा और ज़रूर हम अपनी ये मांग लेकर के रहेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर सरकार इसमें गंभीरता लेकर के हमारी आवाज़ को सुनती है बात को मानती है तो ठीक है, नहीं तो अगले आने वाले फिर 23 मार्च को भगत सिंह का शहीदी दिवस उस दिन फिर हम जंतर मंतर नहीं अब रामलीला ग्राउंड में धरना हो।